इनके सभी सहयोगी साथियों ने हमारी मदद की है और इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। मैं उसके लिए भी इन दोनों खुशी है इस बात की कि जिस आंदोलन जिन बातों को लेकर के समाजवादी लोग कई मौक़ों पर बात रखी है उन्हीं चीज़ों को समाजवादी पार्टी है इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नज़र है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, RLD, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहाँ खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं अभी तक जो सुनने में आ रहा है उनके मुद्दे केवल विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर। तो आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई ना हो पाए, रोजगार ना मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वो BJP तय कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 शपथ लेकर के 2.5 लोग देश को चला रहे हैं तो आधा आप तय कर लो कौन है। कौन पूछ रहा है? अच्छा, पीछे से आ रही है वाली। इसीलिए मैंने कहा आपसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का घी का इंतज़ाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतज़ाम कर दिया गया था, दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतज़ाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतज़ाम कर दिया गया था, समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी उस परिवार की, और उसी की नकल कर करके अभी BJP ने प्रधानमंत्री जी से बंटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपये वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था जिसमें सोलर पैनल होता था, कम से कम गरीब TV भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल है। समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है और
उसमें यह भी तय किया गया था क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं, उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया, इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट में भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है, और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। देखिए, गरीबी क्यों है और गरीब कौन है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर टू में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था, जो गलत नीतियों से चला, और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षा वित्त योजना किसकी है, केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब बता, सवाल आ गया चौकीदार का। हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है, आप आंकड़े देखिए, आपको कहीं जाना है फिर बैठिए आप, अरे इनकी बात पूरी खत्म कर देना, ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी, पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया, शौचालय थे वो एक गड्ढे वाले शौचालय थे, बीजेपी ने बदल दिया वो शौचालय, वो दो गड्ढे वाला शौचालय बना दिया। न कांग्रेस ने पानी दिया, न भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय में पानी दिया, और बिना पानी के शौचालय जाओ कैसे, ही हमारे पत्रकार साथी वहां बैठे हैं, बताएं हमें ये। इसलिए हमारी बात सुनिए कि जब समाजवादी आवाज दिया, लोहिया आवाज 3,05,000 का दिया, और अभी खजांची आप भूल गए होंगे, बीजेपी वाले भूल गए, वैसे आप भी भूल गए, वैसे तो लोगों की जान गई नोटबंदी में, लेकिन एक बच्चे ने जन्म लिया बैंक में, उसका नाम रखा गया खजांची, और वो एक उदाहरण है कि गरीब को घर के छत पे पानी की टंकी है, सोलर पंप है और उस पर सोलर पैनल है जिससे एलईडी बल्ब और पंखे चल सकते हैं, हम गरीब को ऐसा घर और समाजवादी पेंशन और उसकी पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन के साथ आएंगे, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कह देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर हो उसका, एक घर हो गरीब का, और उसके पेंशन कुछ हो, इसलिए ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत जल्दी उस अध्ययन कर करके उस बात को हम कहेंगे आपके बीच। अरे इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? अब कल को आप मुझसे ये पूछोगे सपना चौधरी उधर जा रही थी, उधर चली गई, ये क्या बात हुई?
ये कोई सवाल है आपका? इसलिए जिन सवालों से भटकिए मत। ये सोशल मीडिया वाला साथी सही कह रहा है, ठीक है होगी बात, बिना सवाल जवाब दिए आप जाऊंगा नहीं। प्लीज इनका सुन लीजिए, लिसन टू हिम। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने वो सवाल पूछा कि चुनाव हम किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। किसान का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, बिना किसान और खेती के खुशहाली के देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है, प्राथमिकता पे वही सबसे बड़ा सवाल है।